भारत में जुगाड़ करने वालों की तारीफ जितनी की जाए उतने ही कम है, और तारीफ हो भी क्यों ना, अब इन्हीं को देख लीजिए। दिन रात लगे रहे जुगाड़ में और बना दिया एक ऐसा उपकरण जो बहुत काम की चीज साबित हो सकती है। बैटरी, अडैप्टर और ये वायर जो दिखने में बिल्कुल मामूली है, दरअसल ये एक बहुत काम की चीज है। इन सभी बेकार चीजों से बना है एक ऐसा डिवाइस जिसके बारे में सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। इस उपकरण के जरिए किसी भी रिमोट बम को ब्लॉक किया जा सकता है। विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए आप खुद देख लीजिए ये डेमो। ये सब जुगाड़ तंत्र है। कनेक्टर लिया, कुछ तारे ली, अडैप्टर लिया और हाँ बुद्धि भी लगाई, फिर बना दिया एक ऐसा डिवाइस जो रिमोट से चलने वाले किसी भी बम को ब्लॉक कर सके। ये कैसे काम करता है जरा ये भी देखिए। मैंने देखा है कि हमारे जो मिलिट्रीज होती है, जो बॉम्ब ब्लॉकिंग स्क्वाड्स होती है, तो आतंकवादी बॉम्ब प्लांट करते हैं, तो वो टाइम पे तीन टाइप के बॉम्ब्स होते हैं जिसमें उसको ट्रिगरिंग किया जाता है। डिटोनेटर होता है, वो टाइमर से होता है, स्विच से होता है और रिमोट से होता है। टाइमर से होता है, रिमोट से होता है, उसको जो अनब्लॉकिंग करना होता है, कि उसको डिफ्यूज़ करना होता है, सेम प्रोसीजर रहती है। पर जब देखा जाता है कि रिमोट वाला बॉम्ब होता है तो उसमें टाइम गैप ज़्यादा ज़्यादा है, क्योंकि जब हम देखने जाते हैं तो जो बॉम्ब ब्लॉकिंग स्टोर वाले जो होते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि रिमोट फ्रीक्वेंसी से आता है, मतलब कहाँ से ट्रिगर होगा उनको कोई आइडिया नहीं था, कब होगा वो आइडिया नहीं रहता, तो उन टाइम पे जो टाइम गैप जो बढ़ जाता है, उसके लिए मैंने एक जामिंग सिस्टम जैसा बनाया, एक लेयर हो जाता है। जैसे बॉम्ब होता है तो बॉम्ब के आसपास हमारा डिवाइस ऑन कर देंगे, पूरा लेयर बन जाएगा, तो इससे वो स्ट्रेस फ्री होकर काम कर सकेंगे, जैसे और बॉम्ब डिफ्यूज़ के चांसेस हम जीरो तक लेके आएंगे। अब सुनिए, इस नन्हे से डिवाइस का इस्तेमाल बस इतना ही नहीं है, छोटा पैकेज बड़ा धमाल वाला ऑफर है इस डिवाइस में। इसे बनाने वाले ने इसमें दिमाग का पूरा प्लस माइनस किया और जुगाड़ लगाकर बना दिया एक और बेहतरीन चीज। अगर पुलिस कोई सेंसिटिव जगह पे कुछ रेड करने जा रही है, अगर सेंसिटिव जगह नहीं है, चलो दूसरी जगह पे के बात करें कि कोई एक बैंक हो या फिर कुछ रॉबरी होती है, कोई आतंकवादी एक्टिविटीज़ होती है, वो टाइम पे वो लोग भागने का ट्राई करेंगे, तो दो तीन की संख्या ज़्यादा में होगी, किसी को उठा के लेके जाएंगे, कुछ सामान लेके जाएंगे, वो टाइम पे हमने जो सिस्टम ऑन कर देंगे तो पूरी गाड़ी का एक्सेस बंद हो जाएगा, जिससे गाड़ी में घुस नहीं पाएगा। अगर बाई चांस बाई फोर्सफुली गाड़ी को की करके रिमोट सिग्नल से ब्लॉक करने होने के बाद भी वो बाई की से फोर्सफुली खोलना जाएगा तो गाड़ी में अपना सिस्टम ट्रिगर चालू हो जाएगी, साइरन बजना शुरू हो जाएगा, जिससे आदमियों का दूसरे विक्टिम से जान जाएगा, जान सकें कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो उसको रोकने में या फिर दूसरी हेल्प मिली जाएगी उसमें। मतलब अब तक बंद कार को खोलने के लिए चोरों ने जुगाड़ निकाला था, तो अब ये एक कदम और आगे निकल गए और खुली हुई गाड़ियों को एक साथ बंद करने का जुगाड़ निकाल लिए, वो भी बिना चाबी के। मानना पड़ेगा जुगाड़ से कुछ भी संभव है।